वो जो चाहते थे वो करते थे, हम लोग साथ देते थे। तो एक शायर ने कहा, हम बावफा थे इसलिए नज़रों से गिर गए, जिन्होंने विधानसभा में अपमानित किया उनके साथ वो गए हैं। हम लोगों ने तो बहुत इज्जत दी थी, जाले को छोड़कर लांटेन की रोशनी में गए हैं। आप देख रहे बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दे कि प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से जो बयान दिया था कि नीतीश कुमार बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में है और वो फिर से एक बार पलटी मारेंगे, अब इसके बाद जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके जीतन राम मांझी ने भी कल बयान दिया है और उन्होंने कह दिया है कि बिहार के हित में नीतीश कुमार जितनी बार पलटी मारेंगे हम उनके साथ है। अब आपको बता दें कि बिहार के जो पूर्व उद्योग मंत्री रह चुके शाहनवाज हुसैन से जब पत्रकारों के द्वारा सवाल पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ आएंगे तो आप लोग उनको अपने पास रखिएगा या नहीं, तो शाहनवाज हुसैन ने और सराहना अंदाज में उन्होंने हमला बोला और कहा कि हम बावफा थे इसलिए उनके नज़रों से उतर गए, शायद उनको तलाश किसी बेवफा की थी। और भी क्या कुछ करें पूर्व उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन, अब देखिए इस वीडियो में। देखिए अब हमारे और उनके रास्ते अलग हो गए, अब हम उस टी पॉइंट पे आ गए जहां हम साथ चल रहे थे। हम लोगों के नेतृत्व में नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने, सब ने कहा था कि 25 तक वो मुख्यमंत्री हैं, वो खुद छोड़ कर गए। हम लोग तो बड़ी वफादारी से साथ में थे, वो जो चाहते थे वो करते थे, हम लोग साथ देते थे। तो एक शायर ने कहा, हम बावफा थे इसलिए नज़रों से गिर गए, शायद उन्हें तलाश किसी बेवफा की थी। तो जिन्होंने उनको गालियाँ दी, जिन्होंने भद्दी भद्दी बातें कही, जिन्होंने विधानसभा में अपमानित किया उनके साथ वो गए हैं। हम लोगों ने तो बहुत इज्जत दी थी, और कहीं से भी संख्या बल हमारी ज़्यादा भी हो, हमने तो कहा था हम आपको साथ में लेकर चलेंगे, लेकिन वो खुद गए हैं। अब ये रास्ता नहीं मिल सकता, अब वो उजाले को छोड़कर लांटेन की रोशनी में गए हैं, तो उधर ही उनको जाना है। इसलिए जब वो भी कह रहे हैं कि नहीं मिलेंगे, और हम लोगों ने तो तैयारी शुरू कर दी है, मिशन 40, 40 की 40 लोकसभा जीतनी है, उसी पे काम करना है, उसी काम में हम सब लगे हैं। तभी आपने देखा जो पूर्व उद्योग मंत्री हैं शाहनवाज हुसैन, वो सराहना अंदाज पे नीतीश कुमार पर हमला बोला है और कह दिया है साफ साफ कि हम बावफा थे इसलिए उनके नज़रों से उतर गए, शायद उनको तलाश किसी बेवफा की थी। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार मेरे साथ थे, हम लोगों के साथ थे, तो हम लोगों ने उनको 2025 तक मुख्यमंत्री माना था, लेकिन अब तो वो हम लोग को छोड़कर चले गए हैं, तो अब उनका रास्ता अलग है और मेरा रास्ता अलग है, और वो बीजेपी में अब आएंगे भी तो अब उनके लिए सारे दरवाजे बंद है। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अब तो वो उजाले को छोड़कर लालटेन की रोशनी में चले गए हैं। और भी क्या कुछ कर रहे थे पूर्व उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन, आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।